भोपाल मंडल की प्रमुख कामायनी एक्सप्रेस को रेलवे अफसरों ने 42 दिनों के लिए रद्द कर दिया। इस अव्यवहारिक निर्णय से भोपाल भुसावल मंडल के हजारों यात्री परेशान होंगे, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। सबसे ज्यादा परेशान सैकड़ों अप डाउनर्स होंगे। मंडल के सांसद व अन्य जनप्रतिनिधि भी इस मामले में रुचि नहीं ले रहे हैं। रेलवे भोपाल मंडल पीआरओ द्वारा जारी जानकारी में वाराणसी से भोपाल मंडल होकर निकलने वाली 8 ट्रेनों को 15 जून से 26 जुलाई तक निरस्त किया गया है। इनमें कामायनी एक्सप्रेस भी है। शेष ट्रेनें सप्ताह में 2-3 दिन चलती हैं। इंदौर पटना साप्ताहिक ट्रेन का वाराणसी में प्लेटफॉर्म बदला गया है। कामायनी से सागर बीना से लेकर भुसावल तक हजारों लोग अप डाउन करते हैं। भोपाल मंडल के हरदा खिड़किया के लिए तो यह एकमात्र ट्रेन है। डाउन के लिए शाम 6 बजे के बाद कोई एक्सप्रेस नहीं है। कामायनी एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द नहीं करने की मांग को लेकर जनमंच के सदस्य सांसद नंदकुमार सिंह चौहान से मिले। इस दौरान सांसद से मांग की गई कि ट्रेन को मुगलसराय से मुंबई के बीच चलाया जाए, ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो। इस दौरान चंद्रकांत सांड, कमल नागपाल, अनुराग बंसल, गणेश कानड़े उपस्थित रहे। सांसद नंदकुमार सिंह चौहान ने कहा, कामायनी एक्सप्रेस मुगल सराय से चलाई जाए या फिर पवन एक्सप्रेस का स्टॉपेज बढ़ाया जाए, इसके लिए अफसरों से बात करेंगे। अभी वहाँ पे वाराणसी स्टेशन पर कोई मेजर वर्क होने के कारण इस रूट की कामायनी एक्सप्रेस को बंद किया गया है 50 दिन के लिए। उसमें कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो, ये हमारे खंडवा के ही रेलवे के लिए हमेशा जागरूक रहने वाली जो समिति है जनमंच, उन्होंने आज मुझे ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन के आधार पर मैं प्रयास करूंगा कि कामायनी एक्सप्रेस किसी और आगे के स्टेशन जैसे मुगलसराय स्टेशन से चलती रहे। इतने बड़े रूट की ये गाड़ी बंद ना हो, या फिर वैकल्पिक दूसरी जो ट्रेनें चल रही है उसमें कामायनी जिन जिन स्टेशनों पर रुकती रही है उस ट्रेन का 50 दिन के लिए स्टॉपेज हो जाए, ऐसा कुछ से कुछ रास्ता हो। खंडवा से राहुल बोरसिया की रिपोर्ट।